हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका साहू एंड आई एम लेक्चरर इन भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल। आज हम जिस बारे में स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल। पहले हमने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि हमारा सेंट्रल काउंसिल है, उसके बारे में मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में आपने डील की है, और साथ ही कैसे वो एक PCI के कौन कौन से मेम्बर्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस के साथ साथ कैसे वो रजिस्ट्रेशन के लिए रेगुलेट करते हैं, वो एजुकेशन रेगुलेशन बनाने के लिए उनके प्रोसेस क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने अपने लास्ट वीडियो में देखी है। ठीक, तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में क्या होता है कि जैसा हमारा सेंट्रल काउंसिल होता है जो कि हमारे न्यू दिल्ली पे बेस्ड है, वैसा ही हमारा जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है ये हमारे हर एक स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक, ये हमारे जितने भी स्टेट हैं, हमारे हर एक स्टेट पे ये फार्मेसी काउंसिल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम उस जगह के जितने भी फार्मेसी के जो भी रेगुलेशंस करवाने हैं, जो भी प्रोविजंस पे ध्यान देनी है, रजिस्ट्रेशंस होने हैं, कौन कौन सी फार्मेसी कहाँ पर है, इन सब के लिए जो चीज़ रेगुलेट होनी है वो हमारे इसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स पे होती है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 19 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ स्टेट काउंसिल। एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू कॉन्स्टिट्यूट स्टेट काउंसिल अकॉर्डिंगली। ठीक, सेक्शन 19 फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन 19 के तहत जो है ये बनाया गया है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत वे हमारा जो स्टेट काउंसिल है उनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, साथ में उसे कंपोजिशन यानी कि उनके वर्क्स क्या होंगे, उनके फंक्शंस क्या क्या होने हैं, ये सारी चीज़ें भी इसमें डील की गई हैं। ठीक, दूसरा है हमारा, एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू कॉन्स्टिट्यूट स्टेट काउंसिल अकॉर्डिंगली। हर एक स्टेट के जो गवर्नमेंट्स हैं उनको अपने स्टेट काउंसिल जो है उससे कॉन्स्टिट्यूट करना जो है वो ज़रूरी होता है। ठीक, यानी कि हमेशा जो गवर्नमेंट है वही इन्हें कॉन्स्टिट्यूट करती है। ठीक, हमने देखा क्या कि सेक्शन 19 के अंतर्गत पे, फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन 19 के अंतर्गत पे स्टेट काउंसिल्स जो होते हैं उनको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कराया जाता है। उन्हें कॉन्स्टिट्यूट कराने के साथ साथ उनके क्या फंक्शंस हैं, उनका कंपोजिशन क्या है, वो सारी चीज़ें भी उसी में बताई जाती हैं। ठीक, जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट हैं उनके जो स्टेट काउंसिल्स हैं, स्टेट काउंसिल यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स जो हैं उसको अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूट कराए। ठीक, जैसा कि हमने अपने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में देखा, तो वहाँ भी हमारे टोटल 3 टाइप के मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे इलेक्टेड मेंबर्स, हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स और हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। उसके बाद फिर यही तीनों मेंबर्स, इन्हीं तीनों मेंबर्स और उनके अलावा और जितने भी मेंबर्स वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अपने रजिस्ट्रार, इन सबको जैसे वो क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, वैसा ही सेम सिस्टम जो है वो हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स में भी होते हैं। ठीक, तो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप के मेंबर्स। तो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स 6 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम अमंगेस्ट देमसेल्व्स बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट। जितने भी हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स रहेंगे वही अपने में से 6 मेंबर्स जो हैं वो उनको चुनते हैं। ठीक, उसके बाद 1 मेंबर इलेक्टेड बाय द स्टेट मेडिकल काउंसिल फ्रॉम अमंग स्टेट्स मेंबर्स, और एक मेंबर जो रहेगा वो हमारे मेडिकल काउंसिल का रहेगा। ठीक, एक मेंबर किसका रहेगा, हमारे स्टेट मेडिकल काउंसिल का रहेगा। तो इलेक्टेड मेंबर्स में इसमें टोटल 2 टाइप के मेंबर्स आते हैं, एक मेंबर्स जिसे हमारे स्टेट फार्मासिस्ट जो है वो इलेक्ट करेंगे, और दूसरे कौन होते हैं, जिसे दूसरा हमारे जो मेडिकल काउंसिल, स्टेट मेडिकल काउंसिल्स के जो मेंबर्स रहते हैं वो अपने में से एक मेंबर को इलेक्ट करते हैं। ठीक, और ये जो हमारे 6 मेंबर्स रहते हैं इनके लिए भी ये कंपलसरी रहता है, जैसे कि हमने इलेक्टेड मेंबर्स में देखा था कि जितने भी हमारे मेंबर्स थे 6 मेंबर्स, वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, हमारे टीचर्स होने चाहिए, है ना, टीचर्स होने चाहिए जिनका अपना खुद का एक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, चाहे वो फार्माकोलॉजी में हो या फार्माकोग्राफी में हो, फार्मेसी में हो। ठीक, तो ऐसे टाइप के ही स्पेशलाइजेशन जो है हमारे इन 6 मेंबर्स के लिए भी रिक्वायरमेंट है, यानी कि उनमें भी वो भी टीचर्स होने चाहिए, है ना। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स।
नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे, तो फिर 5 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाई द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एटलीस्ट 3 शुड पजेस डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ठीक, 5 मेंबर्स कौन नॉमिनेट करता है उसे, हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो 5 मेंबर्स को जो है वो नॉमिनेट करते हैं। ठीक, यानी कि अपने ही उसमें से वो 5 मेंबर्स जो हैं वो उनको नॉमिनेट करके उन्हें एज अ PCI स्टेट फार्मेसी काउंसिल का नॉमिनेटेड मेंबर्स बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें से 5 मेंबर्स जो हैं उन 5 में से 3 मेंबर्स हमारे कम से कम ऐसे होने चाहिए, कम से कम नहीं 3 मेंबर्स, ये कंपलसरी है कि 3 मेंबर्स जो हैं उनके पास डिग्री या डिप्लोमा होना ज़रूरी है फार्मेसी या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो का। ठीक, या फिर वो एक एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी होने चाहिए। ठीक, 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स में 5 मेंबर्स हैं, उन 5 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट कर रहा है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रहा है, जिसमें से 3 मेंबर्स हमारे कैसे होने चाहिए, वो डिग्री या डिप्लोमा होने चाहिए हमारे फार्मेसी या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और साथ ही साथ वो हमारे उसी स्टेट के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी होने चाहिए। उसी स्टेट का होना क्यों ज़रूरी है, हमारे PCI के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं था, लेकिन स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें यहाँ पर अपने ही स्टेट के फार्मेसी काउंसिल के लिए मेंबर्स बनाने हैं, तो वो हमारे ही स्टेट के के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, तो इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन से आते हैं, तो द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, जो हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर होंगे स्टेट के, वो द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। हर एक स्टेट में हमारे पास ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, है ना, तो कैसे हर एक हमारे स्टेट में जो भी ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट होंगे उनके जो ऑफिसर इन चार्ज होंगे वो भी हमारे एज अ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, द गवर्नमेंट एनालिस्ट डिप्यूटेड बाई द गवर्नमेंट बाई द स्टेट गवर्नमेंट। उसके अलावा जितने भी जो हमारे गवर्नमेंट एनालिस्ट वहाँ पर प्रेजेंट है वो आते हैं हमारे, वो भी हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में आते हैं। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में कौन कौन, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एनालिस्ट, ये जो हैं हमारे 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स 6 मेंबर्स इलेक्टेड बाय देमसेल्व्स ऑफ दिस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, 1 मेंबर स्टेट मेडिकल काउंसिल के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर्स में 5 मेंबर्स जिन्हें नॉमिनेट करेंगे कौन, हमारे स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें से 3 मेंबर्स जो हैं वो हमारे टीचर्स होना, वो उनके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना नेसेसरी है और वो हमारे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, एक्स ऑफिसियो मेंबर्स में हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट एनालिस्ट डिप्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारे द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट काउंसिल शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स फ्रॉम अमंगेस्ट देमसेल्व्स। ठीक, जितने भी हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है स्टेट काउंसिल के, उन्हें भी कौन इलेक्ट करेगा, उन्हें भी जितने मेंबर्स बने हुए हैं वैसे ही अपने में से इलेक्ट करके उन्हें प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं। नेक्स्ट, सब्जेक्ट टू मेंबरशिप दे होल्ड ऑफिस फॉर 5 इयर्स। अगर ऐसा देखा जाए तो फिर हमारे जितने भी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स जो रहते हैं उनका जो वर्किंग टाइम होता है, तो एज यूजुअल इनका भी वर्किंग टाइम सिर्फ और सिर्फ 5 इयर्स का होता है। ठीक, कैसा होता है इनका भी, सिर्फ और सिर्फ 5 इयर्स का इनका भी वर्किंग ईयर होता है। ठीक, और 5 साल के बाद अगर वो वापस वहाँ पर अगर एज अ वहाँ पर अगर वो काम नहीं करना चाहते, यानी कि अब उन्हें वहाँ पर नहीं वो इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो वहाँ पर एज अ रिटर्न रेजिग्नेशन जो है वो वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड हैं और वो वापस वहाँ के स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स के अगर वो वापस मेंबर बनना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए वो वापस री इलेक्ट या फिर री नॉमिनेट हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है हमारे, अगर कोई भी नॉमिनेटेड या फिर इलेक्टेड मेंबर्स है जो कि बार बार अगर एब्सेंट है विदाउट एनी सफिशिएंट एफिशिएंट रीजंस, और वो भी अगर अपने 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स पे अगर वो एब्सेंट है, तो फिर ये चीज़ जो है वो क्या कहा जाता है, वो उन्हें वैकेटेड, उनकी सीट जो है वो अपन वैकेटेड यानी कि खाली मान लेते हैं।
ठीक है, तो फिर अगर कोई भी नॉमिनेटेड या फिर इलेक्टेड मेंबर जो है वो अगर विदाउट एनी सफिशिएंट रीज़न अगर वो तीन कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स का मतलब क्या है, लगातार अगर अपने वो तीन मीटिंग्स अगर वो नहीं अटेंड कर पा रहे हैं और वो भी उनके पास अगर कोई अच्छा रीज़न यानी कि कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं है एबसेंट होने का या फिर वो बिना बताए अगर एबसेंट हो रहे हैं, तो फिर इस केस में क्या किया जाता है, उनको एक लेटर के थ्रू जो है उनको ये बताया जाता है कि उनका जो सीट है वो वैकेटेड एज अ वैकेटेड डिक्लेयर करा जा रहा है। ठीक, अगर उनके पास कोई भी रीज़न रहेगा तो फिर वो रीज़न वो वहाँ पर बताएंगे, अगर उनके पास कोई भी रीज़न नहीं रहेगा तो फिर उन्हें उनके उस पोस्ट से हटाकर उस सीट को वैकेट बता दिया जाएगा। फिर अब उस सीट को भरने के लिए वापस जो है वो हमारे फ्रेश नॉमिनेशंस जो हैं वो भरे जाएंगे और फिर फ्रेश वोटिंग्स जो हैं वो भी कराई जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो हमारे वहाँ पर फिर वो सीट हमारी वैकेट नहीं रहेगी। ठीक, तो फिर हमें ये चीज़ याद रखना है कि हर 5 साल में ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस चलता आता है। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल के कि हमारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या होता है। ये फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत पे सेक्शन 19 के अंदर फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन 19 के अंतर्गत पे इनको बनाया गया है। इन्हें क्यों बनाया गया है, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है स्टेट काउंसिल के। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इन्हें कॉन्स्टिट्यूट कराती है इस स्टेट काउंसिल को अकॉर्डिंगली। इनके अलावा इनके तीन टाइप के फॉलोइंग मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स और कौन होते हैं इनके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स में कौन कौन से होते हैं, इनके 6 मेंबर्स जो कि सारे के सारे टीचर्स और इनकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मेसी, ऐसा करके इनका किसी एक में इनका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। उसके अलावा एक मेंबर जो है वो इलेक्ट कौन करते हैं, हमारे स्टेट मेडिकल काउंसिल के जो मेंबर्स रहते हैं वो अपने में से एक मेंबर्स उन्हें इलेक्ट करते हैं, तब जाके वो कौन बनते हैं, हमारे पीसीआई के मेंबर बनते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स में हमारे कौन कौन आते हैं, तो फिर 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट हमें नॉमिनेट करती है, जिसमें से 3 मेंबर्स जो हैं मिनिमम 3 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा जो है वो फार्मेसी के होने चाहिए या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के होने चाहिए या फिर वो एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। एक्स ऑफिसियो मेंबर्स में हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर स्टेट के आते हैं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट इन स्टेट, हमारे स्टेट के जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर इंचार्ज रह चुके हैं वो हमारे एक्स ऑफिसियो मेंबर्स में आते हैं। एक गवर्नमेंट एनालिस्ट हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास में एक गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है। वो गवर्नमेंट एनालिस्ट का फंक्शन क्या होता है ये हम अपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी कैसे चुने जाते हैं स्टेट काउंसिल में, उन्हें भी इलेक्ट किया जाता है। इनका जो मेंबरशिप रहता है ये सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए होते हैं, चाहे वो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हो, नॉमिनेटेड मेंबर्स हो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जितने भी हमारे वोटिंग के थ्रू बने हुए मेंबर्स हैं वो मेंबर्स का वर्किंग पीरियड जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर्स के लिए होता है। ठीक, 5 ईयर्स के होने के बाद फिर अगर वो वापस इंटरेस्टेड है तो फिर वो वापस वहाँ पर रीनॉमिनेट या फिर रीइलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर वो वापस वहाँ पर फिर से इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ पर बनने के लिए तो फिर वो एक रिटर्न रेजिग्नेशन के थ्रू जो है वो अपना पोस्ट वहाँ पर छोड़ सकते हैं। फिर जब वो वहाँ पर छोड़ेंगे तब फिर किसी दूसरे मेंबर को जो है वहाँ पर एज ए इलेक्टेड या फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए वोटिंग की जाती है। ठीक, अगर कोई भी ऐसा मेंबर है नॉमिनेटेड या फिर इलेक्टेड मेंबर्स में से कोई एक अकात अगर ऐसा मेंबर है जो कि कॉन्स्टेंटली अगर वो अपने 3 कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग्स में अगर एबसेंट है और उसने कोई ना रीज़न बताया ना कुछ बताया तो फिर उनकी सीट को जो है एज अ वैकेट डिक्लेयर कर दी जाती है। ठीक, उन्हें डिक्लेयर करने से पहले उन्हें ये चीज़ इन्फॉर्म किया जाता है उस मेंबर को, अगर उस मेंबर के पास कोई अगर सफिशिएंट रीज़न रहा तब तो फिर ठीक है, अगर लगता है कि उनके पास में कोई भी सफिशिएंट रीज़न नहीं है तो फिर उस टाइम में उनके उस सीट को वैकेट मानकर वापस उसके लिए फ्रेश नॉमिनेशंस या फिर इलेक्शंस होते हैं, फिर वहाँ पर वोटिंग करके एक दूसरे मेंबर को बताया जाता है। ठीक, तो फिर ये है हमारी स्टेट फार्मेसी काउंसिल। थैंक यू।